उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार के एक बड़े मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है। वहीं इस्तीफे की खबर के कुछ ही देर बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्विटर पर मौर्य के साथ एक तस्वीर शेयर किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एवं उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में सासम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सूबे में होने जा रहे चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा सत्ताधारी दल भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मौर्य के साथ उनके कई समर्थक भी सपा में शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेएमडी खबर।